पूरी दीदी के मैं इंस्टा देखा तो पूरी दीदी के ऐसी अंगे पुंगे फोटो हैं और वीडियोस है खाली ऐसी, तो इसलिए लौंडे ना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये इतने तेजस्वी लोग हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। हम आज चौधरी इतने साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं, भोसले के एक लाइक नहीं करते, तुम इतने हरामी लोग हो साले। तुम्हारी गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइक बोल रहा हूँ, अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो ये दीदी आती खाली बड़े बड़े दिखाती और लौंडों को ऐसा अट्रैक्ट करती जैसे गु पे मक्खी चले गए, ऐसा वैंचो लौंडे भी उसके नजदीक चले आ रहे हैं। तो गाइस हर चीज की बीमारी का इलाज दुनिया में है, लेकिन इंस्टा की रील्स की बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है। वैंचो खत्म नहीं होता बे। अरे भैंचोद उसके सपने देखना बंद कर दो, वो तो ख्वाबों में और तुम्हारी यादों में भी नहीं आना चाहती है। तुम तो खाली मिलियंस में लाइक कर देते हो भोसड़ी के उसको छोटे छोटे के। शाबाश बेटा, हम किसी को आसानी से मानते ही नहीं। कैसा लेते फिर कैसी अपमानजनक बातें करा रहा है ये। दीदी तो कितने ख्वाबों में आ रही, लौंडे लौड़े ले लेके फोन ले लेके हला लेते बैठ के वैंचो रात के 12-1 बजे तक। तो माँ बोल रही भैंसड़ी के क्या कर रहा बेटे तू, बोले तो नहीं भी नहीं मम्मी मैं तो वीडियो देख रहा था फनी वाला। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। A few moments later वीडियो बनाते बनाते मेरी गांड नहीं फट गई भैंचो तेरी। कहाँ से आते है गलियां, हर कितनी गलियां जाएगी दीदी, तो कितने गलियां घूमेगी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। ये ऐसी बीमारी है भाई चोद, ये बवासीर भी एक बार को कम हो सकता है, लेकिन ये बीमारी का इलाज है इस नए भोसड़ी के। इंस्टा बंद करो, मेरी गांड बंद करो, कुछ भी। कैसा लगा मेरा मजाक? बंद करो। अब यूट्यूब वाले भी इसमें रील्स आ रहे हैं भाई चोद, ये क्या चल।